ये जी सुबह से हम हैं। हेलो, तुम ये तो मांगा तो सबका नहीं लो, तो फ्री उसे दे दी दे। पता लगना चाहिए किसी का ना हो फिर पता चल गया। भारतीय जनऔषधि दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें हमारे मुख्य अतिथि कैप्टन रुपिंदर वीर चक्कर जी, सुरेंद्र मेहता जी रजिस्ट्रार HU, हमारे महामंत्री प्रवीण बोकरी जी, जिला सचिव संजीव रेवड़ी जी और रतन सैणी जी और नरेंद्र सपरा जी ने बताया कि आज सातवां दिन है और हम सारे के सारे यहाँ जो जन औषधि दिवस है उसको मनाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं और इस कार्यक्रम में इस उपलक्ष पे पार्टी के सभी सीनियर पदाधिकारी जिनका आपको नाम बताया उनके अलावा साथ में सुरेंद्र मेहता जी जो हम सब जानते हैं HAU के अंदर रजिस्ट्रार साहब हैं, VC साहब को भी आना था पर संजीव रेवड़ी जी ने बताया कि रात को कोई दिक्कत परेशानी या कोई नया कोई कार्यक्रम आ गया इसलिए वो आ नहीं पाए। जैसा कि हम सारे जानते हैं लगभग पूरे भारतवर्ष के अंदर 1100 से ऊपर ये जो जन औषधि देने के लिए स्टोर प्रधानमंत्री जी ने खोले हैं अपने विशेष कार्यक्रम के नाते कार्यक्रम के तहत, मेन मकसद दो ही थे। नंबर वन कि चोरी चकारी कई प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, रेट एक ही चीज़ का ब्रांड बदल दो तो दूसरी चीज़ रहेगी, दूसरा ब्रांड बदल दो तो और ही कुछ, और आम आदमी को आप और हमारे जैसे को क्योंकि हमको टेक्निकल नॉलेज नहीं होती तो इसलिए हमको ध्यान ही नहीं होता और समझ नहीं आती, और बड़ी कंपनीज बड़ी छोटी सी चीज़ की ब्रांड वैल्यू की वजह से उसका दाम बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस प्रकार की जो लूट मार आम आदमी के साथ होती थी उसको ख़त्म करने के लिए ये स्टोर्स बनाए गए थे जिसमें अंग्रेजी में कहें तो जेनरिक मेडिसिन जो होती थी उसको आम आदमी तक बहुत ही सस्ते दाम पर उपलब्ध हो गए। ऐसी एक सोच के तहत अभी बताया आपको कि ये वाला जो स्टोर है हरियाणा का पहला स्टोर है जहाँ अपन बैठे हैं। अभी आप प्रधानमंत्री जी हम सबको मेन मकसद चाहे केंद्र सरकार का हो चाहे यहाँ पे हरियाणा के अंदर माननीय मनोहर लाल जी की सरकार का हो वो ये है कि अंतिम व्यक्ति जो खड़ा है उसका लाभ हो, उसका उत्थान हो, उसके साथ चोरी चकारी खत्म हो, तभी वहाँ से समाज उठ के आगे आता है। और ये जो एक बड़ा जो प्लान है बड़ी जो स्कीम है उसका एक पहलू या एक चीज़ जो है वो ये है, इस जो हम सबको मालूम है हम सारे के सारे किसी न किसी स्टेज पे हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता पड़ती है, दवाई लेने की आवश्यकता पड़ती है, हम अगर स्वास्थ्य है तो कोई परिवार के अंदर दिक्कत परेशानी में रहता है, और जब हॉस्पिटल में पूर्व में जाते हैं तो वहाँ इस प्रकार की जब दिक्कत आती थी पहले तो उसको सारे को ठीक करने के लिए ये सारा का सारा एक स्कीम चलाई गई थी। चार साल से चल रही है। इस उपलक्ष्य में आज
इस कार्यक्रम के निमित्त आपसे मिलने का मेरा और भाई साहब का सुरेंद्र मेहता जी का सौभाग्य हुआ है। मैं तो यही चाहूँगा कि इस मौके पे एक तो आम आदमी को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले आप सबके माध्यम से, आपके श्रोताओं के माध्यम से, आपके जो फैन हैं उनके माध्यम से कि जन औषधि वाले अगर स्टोर के ऊपर आप जाएंगे जो कि गवर्नमेंट के प्लानिंग के तहत चल रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सस्ते दाम पे आपको मिलेगा। हर वर्ष मैं भी देख रहा था कोई 4,000 करोड़ का फायदा हो रहा है, मतलब इतनी सेविंग हो रही है आम आदमी की, तो 4,000 करोड़ की अगर सेविंग होती है और हर साल हर वित्तीय वर्ष के अंदर अगर इतनी बड़ी सेविंग हो रही है और गुणवत्ता वाली चीज़ भी मिल रही है, गारंटी वाली चीज़ भी मिल रही है, तो आप सोचो कितना बड़ा एक लाभ हो रहा है आम आदमी के। तो मैं तो यही कहूँगा कि केवल दवाइयाँ भी नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर बाकी जो साजो सामान हॉस्पिटल से रिलेटेड, पेशेंट से रिलेटेड, ट्रीटमेंट से रिलेटेड वो भी इसमें होता है। करीबन 250 ऐसी चीज़ है, जैसे ग्लव्स होते हैं, कैथेटर होता है, आईवी का ट्यूब जो होती है, इस तरह की लगभग 200-250 चीज़ें चल रही हैं। और अभी आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि महिलाओं के लिए जो सैनिटरी पैड होते हैं वो भी 1 रुपये में उपलब्ध कराने की स्कीम स्टार्ट की है, और 1 रुपया तो मतलब एक सांकेतिक ही है, 1 रुपये में आज के दिन क्या आता है, परंतु प्रधानमंत्री जी की ऐसी सोच है कि चलो खर्चा पानी भी जैसे भी देखें करेंगे, तो ये बहुत बड़ा एक स्टेप है, एक बहुत बड़ा कदम हो जाता है। अगर आप गरीब लोगों में जाके देखेंगे तो विशेषकर महिलाओं में हमें बड़ा आँखों में पानी आ जाता है कि एक तरफ तो हम 21वीं सदी के अंदर पहुंच चुके हैं और आज भी इतनी ज़्यादा गरीबी है, और अगर आप एक सामान्य से सैनिटरी पैड की वजह से दिक्कत परेशानी में हैं तो ऐसी महिला फिर इतनी गरीबी में भी रह रही है और वो क्या मतलब काम काज कर पाएगी, क्या अपने परिवार का लालन पालन किस प्रकार से कर पाएगी, बहुत बड़ा काम है। और भी चीज़ें इसके अंदर जैसे जैसे समय बीतता जाएगा और चीज़ें इसके अंदर जोड़ते जाएंगे जो कि सामान्य प्रक्रिया रहती है। तो मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, हरियाणा के अंदर ये स्कीम इम्प्लीमेंट करने के लिए आदरणीय मनोहर लाल जी जो CM साहब हैं पिछले 7 साल से लगातार लगे हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आप सब आज यहाँ पे आए आप सबका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस प्रकार की स्कीम आप लोगों के माध्यम से बहुत पॉपुलर है और गरीब जन का, आम जन का, आप और हम जो सामान्य परिवारों से हैं हम सबका भी बड़ा लाभ होता है। तो मैं इतना ही आप लोगों को बताना चाह रहा था, मेहता साहब अगर कुछ बताना चाहेंगे तो मेहता साहब कुछ बातचीत करें। नमस्कार, मैं समझता हूँ जो समाज में पूरी थी ये बुराई आ चुकी थी पिछले कुछ वर्षों से, आम जन से लूट खसोट दवाइयों के नाम पर हो रही थी। अगर हम बात करें पिछले 50 वर्षों की, मैं सोचता हूँ तो डॉक्टर्स की छवि जो हम सब के दिमाग में थी वो भगवान का दर्जा उसे दिया जाता था, और आज जो छवि हम सब लोगों के दिमाग में है वह सब समझते हैं, मैं भी समझ पा रहा हूँ। इस कुरीति को, इस बुराई को, इसी मायाजाल को तोड़ने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना शुरू की है, जिसके तहत आज जन औषधि दिवस कार्यक्रम मनाया जा रहा है, और मैं समझता हूँ इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आम जन तक, जन जन तक और समाज में जो अंतिम छोर तक लोग हैं, डाउन टोटल फैमिलीज हैं, अंतिम छोर तक जिसकी माननीय मुख्यमंत्री जी बात करते हैं, अंत्योदय योजना भी उन्होंने शुरू की हुई है, उनको सूचित करने के लिए, उनको अवगत कराने के लिए कि ऐसे औषधि केंद्र हमारे हरियाणा में, ना केवल हरियाणा में बल्कि पूरे देश में, सभी प्रदेशों में, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में और लगभग हर एक जिले में ये केंद्र विद्यमान है और फंक्शनल है।
ताकि लोग आम जन इसका फायदा उठा सकें, और जो उनके जो फाइनेंशियल एक कुठाराघात हो रहा था उससे बच सकें। और साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जरिया भी है, जो हजारों लोगों को रोजगार उपलब्ध करवा रहा है। इसी उद्देश्य से ये जो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ये योजना शुरू की गई है, तो ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सकें। इतना ही। एक नई योजना है, क्या शुरुआत में जो आपके अनुभव थे उसके बारे में पूछ बताएं। सर, मेरा जब ये मैंने शुरू किया था, हरियाणा में कोई भी स्टोर नहीं था, तो जब मैंने शुरू किया था, एक सोच अच्छी लगी कि मैं, क्योंकि मैं खुद प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा था और मैं जो दवाइयां बेच रहा था, मैं खुद देख रहा था कि कितना इसमें मार्जिन है, इसमें कंपनियों को कितना प्रॉफिट हो रहा है। मैं अच्छा, सैलरी भी मेरी अच्छी थी, बट मेरे अंदर एक भावना ऐसी आई कि मैं कुछ अच्छा काम करके, मेरा नाम नहीं हो पा रहा था, मतलब कुछ अच्छा काम मैं अंदर संतुष्टि नहीं थी, इसलिए मैंने ये योजना से इंस्पायर होकर मैंने काम शुरू किया। और जब मैंने काम शुरू किया, यकीन मानिए सर, दिन में मुझे सिर्फ कस्टमर को समझाना ही पड़ता था। जो दवाई लेके जाने वाले जो बंदे थे वो बहुत कम थे, और वो मतलब लेके भी जाते थे तो मतलब ये नहीं था कि भाई उनको पूरा विश्वास हो गया, बस वो एक ट्रायल के तौर पे लेके जाना चाहते थे, चलो हम ये दवाई लेके देख लेते हैं। बट 2016 से जब मैंने शुरुआत की, 2017-18 तक आते आते हमें ये लगा कि हमने जो काम किया है शुरू, और वो बहुत सही काम है, और उसमें हमें अब ये लगने लग गया कि ये काम हम आगे और बढ़ाएंगे। आज तो परिस्थितियां बदल गई, चीजें आज कुछ अलग नजर आ रही हैं। सर, आज कैसे देखते हैं, आज ये खूबसूरत जो माहौल है, इसके लिए क्या कहना चाहिए? सर, उन सब उस चीजों के लिए सर मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन लोगों ने साथ दिया है, मुझ पे भरोसा किया, दवाई यूज की, और उसके बाद उनका विश्वास बढ़ता गया। और इसीलिए मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना का लाभ जिनको हुआ है, उनके साथ हम जो एक परिवार की तरह एक ये त्योहार मनाते हैं जन औषधि दिवस के नाम पर, तो ये उन्होंने शुरू किया कि ताकि जो लाभार्थी जिनको लाभ हुआ है वो आए बैठें और अपना जो एक्सपीरियंस है वो साझा करें, ताकि और लोग भी इससे इंस्पायर हों और इससे जुड़ें।